सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक क्लिप खूब शेयर की जा रही है। आप सबसे पहले ये वायरल हो रही क्लिप देखिए। आपने देखा होगा, अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है, कभी देखी है? हो ही नहीं सकता। इस 28 सेकेंड के वीडियो को भाजपा सदस्य और अक्सर भ्रामक खबरें शेयर करने वाले कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा कि राहुल गांधी को उन महिलाओं की डायरी या इंटरव्यू पढ़नी चाहिए जो महात्मा गांधी के आसपास रहती थी। इसके अलावा इसी 28 सेकंड की क्लिप को इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर शिव अरूर ने भी ट्वीट किया। हालांकि उन्होंने कुछ भी लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने जो इमोजी लगाई वो अपने आप में सारी कहानी बताती है। एशियानेट न्यूज नेटवर्क से जुड़े हैंडल एशियानेट न्यूज एबल ने भी ये 28 सेकंड की वीडियो क्लिप ही ट्वीट की। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पर ये क्लिप यूं ही शेयर की गई, जबकि इस वीडियो की असलियत ये है कि इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखाया गया है। कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर राहुल गांधी की स्पीच 15 सितंबर 2021 को अपलोड की गई थी। ये भाषण राहुल गांधी ने महिला कांग्रेस दिवस के मौके पर दिया था। इस वीडियो में 17 मिनट 52 सेकंड के बाद वो हिस्सा दिखता है जो वायरल हो रहा है। अभी गांधी जी की फोटो देखी आपने, गांधी जी के साथ आपको 3-4 महिलाएं दिखेंगी दिखेंगी, सही? मोहन भगवत के साथ आपने किसी महिला की फोटो देखी है, कभी देखी है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका संगठन महिला शक्ति को दबाता है, क्रश करता है। हमारा संगठन महिला शक्ति को एक प्लेटफॉर्म देता है। पूरी बात सुनने पर साफ हो जाता है कि असल में राहुल गांधी ने कहा क्या था। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर और एएनआई के पत्रकार सिद्धार्थ शर्मा ने शिव अरूर के वीडियो को कोट ट्वीट करते हुए बताया कि ये आधी बात है और पूरा वीडियो दिखाया जाना चाहिए। इसके बाद ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई। शिव अरूर ने अपने पहले ट्वीट के लगभग 27 घंटे बाद सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने एशियानेट से जुड़े हैंडल का वीडियो ट्वीट किया था और साथ में उन्होंने राहुल गांधी की पूरी बात दिखाई। वहीं कपिल मिश्रा और एशियानेट के ट्वीट्स अभी भी जस के तस मौजूद हैं।